उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में छात्रा पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी फरदीन के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। धामी सरकार ने बुलडोजर चलाकर अपने सख्त इरादे जता दिए हैं। बता दें कि 3 दिन पूर्व खालसा निवासी फरदीन पुत्र रिजवान ने कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा पर हमला किया था। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सुबह आरोपी के घर पहुंचा और उसके मकान पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। काशीपुर से संवाददाता अतुल तिवारी की रिपोर्ट। दो दिन पहले इसी परिवार का लड़का एक बच्ची को उसने अटैक किया था, जानलेवा वापस उसने वार किया था, जिससे उस बच्ची की जान खतरे में आ गई थी। दो लोग भी जेल जा चुके हैं और इसमें भी 2-3 लोग फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा NW की और भैया सिखिला की कार्रवाई चल रही है। संभवतः 2-3 दिन में इस घर को हम भैया सिखिला करके खुद की बिक्री। कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया था? 6 लोग नामजद हैं, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तार हुई, 3 लोग जिनकी गिरफ्तार होनी है।